भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य गोवा है। इसके बाद नंबर आता है केरल, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर का। वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, उनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली है। इस बात का खुलासा हुआ है जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स यानी GVI से। इस रिपोर्ट को प्लान इंडिया ने बनाया है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे जारी किया। इस रिपोर्ट में गोवा को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बताया गया। इसके बाद केरल, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर को महिलाओं के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था के लिए बताया गया। महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों की बात की जाए तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। इस मामले में राजधानी दिल्ली का नंबर रसातल में है। इंडेक्स में जहां राष्ट्रीय औसत 0.5314 रही, तो वहीं गोवा 0.656 अंकों के साथ सबसे ऊपर रहा। इस सूची में 0 से 1 के बीच अंक दिए गए। अंक 1 के जितना करीब होंगे वो उतने ही बेहतर राज्य माने जाएंगे। महिला सुरक्षा के मामले में गोवा सबसे आगे रहा, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य में 5वें और गरीबी में 8वें स्थान पर रहा। केरल के कुल अंक 0.634 रहे थे, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का बड़ा योगदान है। इस सूची में 0.410 अंकों के साथ सबसे नीचे बिहार का नंबर था। इसे महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत बुरा माना गया। स्वास्थ्य और गरीबी के लिहाज से ये भी सबसे नीचे रहा। शिक्षा के क्षेत्र में ये सबसे निचले राज्य में शुमार रहा है। दिल्ली का नंबर 30 में से 28वां रहा। इसका GVI स्कोर 0.436 था। महिला सुरक्षा और शिक्षा में इसका रिकॉर्ड सबसे खराब है। झारखंड 0.450 अंकों के साथ 27वें नंबर पर, वहीं उत्तर प्रदेश 0.434 अंकों के साथ 29वें स्थान पर था। देश में पहली बार GVI रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को तैयार करने का मकसद ये पता लगाना है कि देश में महिलाएं किन चुनौतियों का सामना कर रही है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, हिंसा से सुरक्षा और पुलिस की ओर से मिलने वाली सहायता प्रमुख रूप से शामिल की गई। इसके जरिए महिलाओं को पेश आने वाली चुनौतियों को समझने और इनसे निपटने के लिए जरूरी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।